हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको व्हाट्सएप के अपडेट्स बारे में बताऊंगा, जो कि कुछ अपडेट्स व्हाट्सएप की तरफ से मिल चुके हैं, जो कि आपको हाल ही में कुछ लोगों को मिल भी गए होंगे, कुछ को अभी मिलने वाले हैं। तो उसी के बारे में आज का पूरा वीडियो होने वाला है, क्योंकि व्हाट्सएप ने कई ऐसे फीचर्स जिसे आप अच्छी तरह यूज़ कर पाएंगे, जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आप यूज़ कर रहे हैं लेकिन व्हाट्सएप पर यूज़ नहीं कर पा रहे। तो व्हाट्सएप पर भी ऐसा कुछ अपडेट्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो बहुत सारे फीचर्स और बहुत सारे अपडेट्स यहाँ पर अच्छे अच्छे आपको देखने को मिल जाएंगे, तो उसी के बारे में आज का पूरा वीडियो होने वाला है। तो बने रहेगा पूरे वीडियो में एंड तक। तो गाइज, मेरा नाम है विशाल, तो आप सब लोग का केविस टेक्नोलॉजी में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला अपडेट ये है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आप मैसेंजर में, जैसे कि आप कोई मैसेज सिलेक्ट करके आप इमोजीज भेज सकते हैं अपने रिएक्शन के हिसाब से, तो वो भी इस फीचर्स में आपको यहाँ पर व्हाट्सएप पर भी मिल जाएगा। तो व्हाट्सएप पर भी आप मैसेज सिलेक्ट करके जो भी आप अपने इस रिएक्शन के हिसाब से आप यहाँ पर इमोजीज चूज कर सकेंगे। तो हाल ही में ये अपडेट आपके फ़ोन में आ ही गया होगा, अगर नहीं आया तो कुछ ही दिनों में आपके फ़ोन में भी आ जाएगा। तो जल्दी से जाके अपडेट कर लेना, अगर आपके फ़ोन में व्हाट्सएप अपडेट आ रहा है तो जल्दी से जाके व्हाट्सएप अपडेट कर लीजिए, ताकि ये अपडेट भी आपको मिल जाए। तो फ्रेंड, दूसरा अपडेट ये है कि यहाँ पर आप लास्ट सीन और प्रोफाइल फोटो और अबाउट सेक्शन, जिसके लिए आपको पहले ऑप्शन मिलते थे, अलग अलग आपको ऑप्शन मिलते थे, इसके लिए आपको एक अलग से ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जहां से आप माय कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट। इसका मतलब यह है कि जब भी आपको ऑप्शन मिलेगा, उस ऑप्शन को आप ऑन ऑफ करेंगे तो आपका जो डिटेल्स है, मतलब आपका जो प्रोफाइल फोटो है, वो सब कोई नहीं देख पाएगा, जिसे आप चूज करेंगे वही आपका फोटो देख पाएगा। तो ये फीचर भी आपको यहाँ पर व्हाट्सएप में देखने को मिल जाएगा। फिलहाल ये फीचर सभी बीटा यूजर्स को मिल चुका है, लेकिन सभी को नहीं मिला, तो सभी के लिए अभी थोड़े दिन में ये अपडेट आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, तीसरा अपडेट ये है कि डिसअपीयरिंग मैसेज के नया टाइम लिमिट आ गया है। इसका मतलब ये है कि अभी पिछले टाइम में क्या था कि जब भी आप मैसेज करते थे और सामने वाले को जो नहीं मिलता था वो 7 दिन के बाद देखता था, तो वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता था। तो पहले 7 दिन का टाइम था, तो कि अभी इसको बढ़ाकर 90 दिन कर दिया, 90 दिन 24 घंटे तक ये आपको मैसेज दिखेगा, मतलब आपको और सामने जो आपके आपने जिस किसी को भी मैसेज भेजा है सभी को वो मैसेज दिखेगा। तो ये भी फीचर्स बहुत बढ़िया आ चुका है, इसके वजह से आपका टाइम लिमिट बढ़ जाएगा, और अगर आपने जो भी मैसेज भेजा अगर सामने वाले डिलीट कर दिया तो आपके फोन में दिखेगा, अगर आपने डिलीट किया तो सामने वाले के फोन में 90 दिन तक दिखेगा, वो कभी भी उसे डाउनलोड कर पाएगा। तो ये भी बहुत बढ़िया अच्छा फीचर्स इसमें आने वाला। तो जब भी आपको अभी तक नहीं मिला तो जल्दी से आने वाला, अगर आपके फोन में अपडेट दिखा रहता है जल्दी से अपडेट कर लीजिए। तो गाइस, ऐसा बढ़िया अपडेट है जिससे कि अभी सब लोग ऐसे सोच रहे होगे कि ये अपडेट आ जाए तो अच्छा है, तो कि ये अपडेट आ गया है जो कि अभी किसी के फोन में भी आने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको, तो क्या अपडेट है, तो इसका अपडेट ये है कि आप ये मल्टी डिवाइस में ये फीचर्स यूज कर पाएंगे, मतलब आप अगर आपके फोन में जो मेन फोन है उसमें तो लॉगिन रहेगा, अगर आप दूसरे फोन में ऐसे ही 4 फोन में आप कनेक्ट कर पाएंगे, एक ही टाइम पर 4 फोन में आप कनेक्ट कर पाएंगे। पहले क्या होता था कि आप एक ही फोन में कनेक्ट कर पाते थे, और इसके अलावा आप कुछ भी दूसरे फोन में अगर लॉग इन करते तो नहीं होता था, तो अभी ये फीचर्स भी इसमें आ गया कि आप 4 फोन में एक साथ कनेक्ट कर पाएंगे, अगर आपका एक ही नंबर से लॉग इन है तो सभी एक ही नंबर से लॉग इन हो जाएगा, 4 फोन में अलग अलग आप लॉग इन कर सकते हैं, चारों फोन में आपको साथ में भी चलने वाला है। और एक फीचर है जो कि सिर्फ एडमिन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, ये नया फीचर है कम्युनिटी फीचर्स। कम्युनिटी फीचर इसका मतलब ये है कि कम्युनिटी फीचर्स में क्या होता है कि आपका जो ग्रुप एडमिन होता है वो ज्यादा कंट्रोल इसको मिल जाएगा, आपका ग्रुप एडमिन को ज्यादा कंट्रोल इसमें मिल जाएगा। इस फीचर के जरिए आप ग्रुप एडमिन के अंदर एक ग्रुप बना सकता है, मतलब ग्रुप एडमिन ने अगर कोई ग्रुप बनाया तो उसके अंदर भी ये ग्रुप बना सकता है, तो ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है यहाँ पर। और ये जो एडमिन, अगर आप ग्रुप के अंदर ग्रुप बनाएगा तो सभी ग्रुप एक साथ ही कनेक्टिविटी रहेगी, तो कभी भी एक ही ग्रुप में मैसेज में सभी ग्रुप्स में आपको ऑटोमेटिकली मैसेज चला जाएगा। तो ये भी बहुत बढ़िया फीचर्स इसमें आने वाला है, जो कि किसी के फोन में आ गया होगा, अगर आपको अपडेट दिखा रहा है तो जल्दी से जाके अपडेट कर लेना। सो फ्रेंड्स, यही कुछ अपडेट्स है जो कि अभी आपको बीटा वर्जन में किसी लोगों को मिल गए होंगे, अगर अभी सब आपको नहीं मिला तो जल्दी से जल्दी आपको भी मिल जाएगा, अगर आपके फोन में अपडेट दिखा रहा है तो जल्दी से जाके अपडेट कर लीजिए। सो गाइस, आपको ये अपडेट कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और अभी तक आप चैनल पर नए तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन में क्लिक कर ऑल पर क्लिक कर दे, ताकि कोई भी ऐसी नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आपको मिल जाए। सो फ्रेंड्स, आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय स्वामीनाथ।